SSGD कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफी ज्यादा कमेंट्स अभ्यर्थियों के आ रहे हैं, काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉर्म आपने भरा है उनमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके कारण वो बड़ी गलती जिनसे हो गई, जिनके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। क्या उन सभी की गलतियों को, क्या उनके फॉर्म को मॉडिफाई करने का या चेंजेस करने का मौका मिलेगा? मिलेगा तो कहां पर है मौका आपको मिलने वाला है? कौन कौन से अभ्यर्थियों के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, कौन कौन से अभ्यर्थियों के रिजेक्ट होंगे, साथ ही दोस्तों कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी जानकारी बताऊंगा। मतलब दोस्तों, जो भी अपडेट आपको बताऊंगा वो ऑफिशियली अपडेट बताऊंगा, किसी प्रकार की फेक अपडेट नहीं होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब SSC की तरफ से जारी किया गया था तो उसमें सारी चीजें साफ साफ लिखी गई है कि कौन कौन से कैंडिडेटों के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, कौन कौन से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों सारी चीजें नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन की हुई है। तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे, और SSGD कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली SSGD कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो, ये SSC का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं, साफ साफ लिखा गया, आप यहां पर देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो SSC ने साफ साफ यहां पर बता दिया गया। और यहां पर आप देख लीजिएगा 8.2 है जो आपका पॉइंट नंबर है, उसमें क्या क्या SSC की तरफ से लिखा गया है। SSC ने लिखा है कि इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट। आपकी जो फोटो होगी वो JPG फॉर्मेट में होगी और उसकी साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो द फोटोग्राफी शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ। आपने जो फोटो लगाई है फॉर्म पे वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था उस समय से 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड द डेट ऑन द विच द फोटोग्राफी हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफी। जो आपकी फोटो है वो एकदम क्लियर और साफ होनी चाहिए, एकदम साफ आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफी विल बी रिजेक्टेड। बिल्कुल आप साफ साफ देख लीजिएगा, SSC ने लिखा है नोटिफिकेशन में कि जिन कैंडिडेट ने फोटोग्राफी पर डेट नहीं लगाई है उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऐसा दोस्तों मैं नहीं बोल रहा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू SSC ने यह जानकारी पहले ही आप सभी को दे दी थी। उसके साथ मैं बता दूं, जिन कैंडिडेटों के छोटी मोटी गलती हुई है, या तो उनके नाम में मिस्टेक हुई, स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, फादर्स नेम में या फिर एड्रेस में, आधार कार्ड के नंबर 1 या 2 गलत हो चुके हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बता देता हूं, उन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। बिल्कुल दोस्तों, 2018 में जो आपकी वैकेंसीज आई थी, तो 2021 तक पूरे प्रोसेस में हमने उन अभ्यर्थियों के साथ में सहभागिता निभाई, जितने भी बातें थी, जितने भी उनके डाउट्स थे वो क्लियर किए थे। तो दोस्तों 2018 की भर्ती के हिसाब से बात माने तो दोस्तों, जो कैंडिडेट जिनके नाम में मामूली मिस्टेक हुई है, छोटी बड़ी गलती हुई है, तो जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, उससे पहले भी आप करवा सकते हैं SSC CGO को, CGO कॉम्प्लेक्स जाके, लेकिन दोस्तों अगर आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में फिजिकल में आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। आप वहां पर बोल सकते हैं कि सर ये गलती हो चुकी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है, उसके बाद में दोस्तों आपका करेक्शन वहां पर कर दिया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों कि कैसे आपको फॉर्म चेक करना होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट डेट आपके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। 31 तारीख तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। SSC ने पहले ही नोटिस जारी करके सभी कैंडिडेटों को बता दिया है कि जल्द से जल्द आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दे। लास्ट समय में SSC की साइड है वो सही तरीके से काम नहीं करने के कारण काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी
कैंडिडेटों की खुद की होगी, एसएससी ने साफ साफ नोटिस जारी करके बोल दिया। तो ऐसा लग रहा है कि दोस्तों आपकी डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है, 31 तारीख तक आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब बात आती है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके डाउट चल रहा है कि सर मैं राजस्थान से हूँ या फिर मैं हरियाणा से हूँ, क्या मैं बिहार से या कर्नाटका से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस राज्य की कट ऑफ में शामिल हो पाओगे। अगर आप उस दूसरे राज्य से फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब आपका फिजिकल भी हो जाता है, जब आपका मेडिकल होता है और डीएमई डॉक्यूमेंटों में आप पर आपके चेक किए जाएंगे और उस राज्य का अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डायरेक्टली भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पर बोलो कि सर मैं राजस्थान हूं या हरियाणा का हूं तो मुझे हरियाणा की कट ऑफ में शामिल कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको किसी प्रकार का चांसेज नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं, एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आपको जाना होगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर आपको लॉगिन और पासवर्ड लगाना होगा। बिल्कुल दोस्तों यहां पर लॉगिन और पासवर्ड लगाना होगा। लॉगिन और पासवर्ड लगा के यहां पर आपको कैप्चर नंबर दिखाई देंगे और ये कैप्चर नंबर आपको लगाने होंगे। अब मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो यहां पर हम आप देख लीजिएगा, कैप्चर नंबर लगाते हैं हम सबसे पहले। तो कैप्चर नंबर हमने लगा दिए यहां पे, उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहां पर लॉगिन करना है। और जैसे ही आप यहां पे लॉगिन करोगे तो आपके सामने पूरा डाटा आपका ओपन होके आ जाएगा और यहां पर आप चेक कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों आपका पूरा डाटा खुल जाएगा। यहां पर आप देख लीजिएगा, कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज, एनआईए, एसएसएम, राइफलमैन जीडी, असम राइफल एग्जामिनेशन 2018, पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपना यहां पर अपना फॉर्म है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर ऑफलाइन चालान है वो यहां पर जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट आपका हुआ है नहीं, पेमेंट का स्टेटस यहां से आप चेक कर पाएंगे कि आपका पेमेंट का जो स्टेटस है वो किस प्रकार एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है। यहीं पर आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, और आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहां पर देख पाएंगे। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट आप यहां पर देख पाएंगे, पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट तारीख नजदीक आने वाली है 31 तारीख के बाद में। एसएससी जल्दी कौन कौन से कैंडिडेटों के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, कौन कौन से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, उसकी भी लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर दोस्तों ये जानकारी आप डायरेक्टली लिंक देखना चाहते हैं कि डायरेक्टली कैसे चेक कर पाए, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल पाती है। साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्तों तक ये महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए और एसएससीजीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग हर प्रकार के अपडेट भी आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सभी के मैं कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रीड सभी के कमेंट्स करता हूँ, उसके बाद में ही दोस्तों वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।